सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं आप लोग? तो बिहार पॉलिटेक्निक 2022 के जितने भी कैंडिडेट हैं और बिहार पैरामेडिकल 2022 के जितने भी कैंडिडेट हैं, आप लोग का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। कब आपका एग्ज़ाम हुआ? 30 एंड 31 को आपका एग्ज़ाम हुआ। तो जब बच्चे एग्ज़ाम दे देते हैं, उनके मन में एक ही क्वेश्चन चलता है कि आखिर उनका रिजल्ट कब आएगा, उनका रिजल्ट कब आएगा। बच्चे बेचैनी से इंतज़ार करते हैं अपने रिजल्ट का। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए बहुत बड़ा अपडेट, जिसमें आप लोग को मैं बताऊँगा कि आपका रिजल्ट किस दिन आ रहा है, चाहे वो पॉलिटेक्निक का रिजल्ट हो या पैरामेडिकल का रिजल्ट हो। पॉलिटेक्निक में जिसका इसका एग्ज़ाम हुआ है बाबू, चाहे वो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का हो या पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का हो, पैरामेडिकल में पीएम हो गया, पीएमएम हो गया, पीएमडी, ये सब एग्जाम आप लोग का 30 एंड 31 के डेट में हो गया है। दूसरी बात, आप लोग को मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं, जो कि आपको करना है तब आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। क्या करना है इसको जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आप जब एडमिशन ले भी लोगे ना, उसके बाद भी जो आपका सेमेस्टर होगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर, वो हम लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छे से टॉप के फैकल्टी से, ठीक है। सो आप लोग सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर ले सारा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ये काम आपको करना है जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज पाने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि एस्पेक्ट विजन की टीम काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का स्टार्ट कर दिया है रजिस्ट्रेशन लेना, जिसमें कि हमारे एक्सपर्ट काउंसलर बैठे हुए हैं जो आपका काउंसलिंग करेंगे और आपको 100% कॉलेज दिलाने में मदद करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है 99 क्यों? क्योंकि देखिए 100% कोई भी चीज़ का चांस नहीं है, बट 99% श्योर है कि आपको कॉलेज मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये फिलअप मतलब है क्या, ये क्या प्रोसेस है, इसको डिटेल से समझाइए। तो मैं समझाता हूँ। देखिए होता क्या है कि काउंसलिंग होता है, आप लोग का रिजल्ट आएगा उसके बाद होगा आपका काउंसलिंग। तो काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है बाबू, वो बहुत ध्यान से करना होता है। आपका जितना रैंक आया, मान लिया आपको 10,000 रैंक आया, अब 10,000 तो सीटें नहीं है, तो क्या आपको कॉलेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग दिलवाए हैं बाबू 20,000, 30,000, 40,000 वाले को सीट दिलवाएं। कैसे? क्योंकि काउंसलिंग का एक ट्रिक होता है, काउंसलिंग का एक ट्रिक होता है कि कैसे आपको कौन सा कॉलेज पे ऊपर डालना है, कौन सा ब्रांच आपको ऊपर डालना है, किस कॉलेज को किस ऑर्डर में रखना है, मेरा क्या रैंक है तो क्या मिलेगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको काउंसलिंग में ध्यान रखना है। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग का रैंक आएगा, आप लोग जाइएगा कैफे वाले के पास, बोलेगा काउंसलिंग कर दीजिए। अरे कैफे वाले को क्या एक्सपीरियंस कौन उसको कॉलेजों पूछ लो कि बिहार में कितना कॉलेज है, नहीं बता पाएगा। तो जब उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसके हाथ में अपना फ्यूचर दोगे? बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखा है, वो बोलते हैं कि सर मेरा रैंक अच्छा था हम सिविल नहीं ले पाए, मेरा रैंक अच्छा था हम पैरामेडिकल में ये कोर्स नहीं ले पाए, मेरा रैंक ये था। तो वो क्या होता है, काउंसलिंग की गलती की वजह से होती है, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स थमा जाती दिया जाता है या कोई अदर ब्रांच थमा दिया जाता है, तो ये सब काउंसलिंग के टाइम की गलती है। तो इसीलिए हम लोग करते हैं काउंसलिंग, हमारे बहुत ही एक्सपर्ट काउंसलर यहाँ बैठे हुए हैं जो कि आपका काउंसलिंग करेंगे, आपसे पूछ के कि आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए आपके रैंक के हिसाब से, और 99% आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाएंगे। प्राइवेट का यहाँ कोई बात ही नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज दिलाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है बाबू, देखिए रिजल्ट आता है उस टाइम हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, हम लोग को कॉल उठाने का फुर्सत तक नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। आपके सामने स्क्रीन पर 3 नंबर दिख रहा होगा, 8809071684, 8809071684, 8298417537, 8298417537, ठीक है, और लास्ट नंबर है 9065497800। आप तीनों नंबर पे तीनों अलग अलग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आप कॉल कीजिए और समझिए कि आपका काउंसलिंग कैसे होगा और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि आपको 99% कॉलेज मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ठीक है। मात्र 150 सीट है, 150 का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, रिजल्ट के बाद भी नहीं लेंगे। तो जिसको जिसको स्योरिटी में चाहिए, जिसका इसका एग्जाम अच्छा नहीं गया है उसको तो हम 100% जाने की कोशिश करेंगे, जिसका एग्जाम अच्छा गया है उसको हम टॉप का कॉलेज दिलाएंगे, सिविल से या फिर पैरामेडिकल में भी टॉप का कॉलेज दिलाएंगे। तो वो लोग सबको एक कॉल करो इस नंबर पे, अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करना है, अपना नाम भेजना है व्हाट्सएप पे, ठीक है, जिस नंबर पे आप बात करोगे उसके व्हाट्सएप पे आपको नाम भेजना है अपना, अपना एडमिट कार्ड भेजना है, ठीक है, अपना एडमिट कार्ड, अपना डिस्ट्रिक्ट नेम भेजना है और अपना ईमेल, ठीक है, ईमेल, ठीक है, इतना डिटेल आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए और अपना काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब बात करते हैं कि आपका रिजल्ट जो है बाबू कब आएगा, ठीक है। रिजल्ट
रिजल्ट आपका कब आएगा। तो रिजल्ट देखिए, पिछले बार 2021 की हम बात करें, 2021 में आपका एग्जाम जो हुआ था 25th एंड 26th सितंबर को हुआ था 2021 में, तो सेशन लेट था थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा लेट था। तो 25 से लेकर 26 सितंबर को आपको एग्जाम हुआ था पॉलिटेक्निक का। अब एग्जाम 25 से 26 को हुआ था, रिजल्ट कब हुआ, रिजल्ट दिया गया 13 अक्टूबर को, यानी कितना दिन लगाया गया बाबू, 17 दिन लगाया गया। ठीक है, ये मतलब ऐसे ही मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो मैं एक प्रूफ दिखा दिया। ठीक है, जनरली जो है बाबू बीसीसी बोर्ड आपका रिजल्ट जो है 17 से 20 दिन यानी 18 से 20 आप कह सकते हो 18 से 20 दिन में जारी कर देती है। बट कब, जब ये लेट होता है, जब सेशन लेट। अब देखिए पिछले बार आपका एंट्रेंस लिया गया कब, 25 सितंबर को लिया गया, तो ये लेट है बाबू, सेशन लेट है। इस बार आपका एंट्रेंस कब लिया गया, इस बार आपका एंट्रेंस लिया गया लगभग यहाँ पे 29 और 30 जुलाई को, यानी कि 2-3 महीना पहले एंट्रेंस लिया गया, तो सेशन लेट नहीं है। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा रिजल्ट में टाइम ले बीसीसी बोर्ड, क्योंकि अभी देखिए आपका सेशन जब लेट नहीं है, धरफरी नहीं है। ठीक है, तो लगभग जो है आपका 15 से 20 अगस्त, ध्यान समझिए, 15 से 20 अगस्त 2022 तक आपका रिजल्ट आने का पूरा चांसेस है। पूरा हल्का सा लेट हुआ तो बाबू 25-26 जाएगा, बट इस मंथ में, अगस्त मंथ में 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगस्त मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं हो तो। ये बीसीसी से और बहुत सारे सूत्रों से हमें ये भी पता चला है कि आपका लास्ट, ज़्यादातर उम्मीद है कि लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट जो है बाबू अगस्त के लास्ट वीक तक आ जाएगा 100%। तो रिजल्ट के लिए आप लोग निश्चित रहे और आप लोग अपना काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करा ले जल्द से जल्द, ताकि आपको अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो आपको टॉप का कॉलेज मिलेगा हमारे थ्रू, और अगर एग्जाम आपका खराब गया, आप क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं, तो भी हम एडमिशन दिलाएंगे। आप पिछले बार का हमारा रिकॉर्ड देखिए, जाकर चैनल पर वीडियो देखिए, जब सीट अलॉटमेंट हुआ था उस टाइम हम बताए हैं उस वीडियो में कितना कितना लोगों को कॉलेज मिला। पिछले बार अप्रॉक्स हमने जो है 250 बच्चे का काउंसलिंग किया था, 250 बच्चे का काउंसलिंग किया था, जिसमें से लगभग 170 को कॉलेज मिला था, हमारा सक्सेस रेट देखिए। दूसरी बात, बहुत सारे बंदे ऐसे थे जिसका 30,000 रैंक था, 40,000 रैंक था, और 30,000-40,000 रैंक मतलब समझ लो कि जिसका 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन सही हुआ है उसको उतना आता, उसको हमने कॉलेज दिलाया, और आज वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सो इसीलिए सब लोग कॉल कीजिए इस 3 नंबर पे, और पॉलिटेक्निक एंड पारामेडिकल दोनों का जो है हम लोग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हम लोग ने बीसीसी का लिया, जिसमें लगभग 300 स्टूडेंट इनरोल्ड हुए हैं, सबको हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छा से अच्छा कॉलेज दिलाने का। अब पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल वालों का बारी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कॉल कीजिए इस नंबर पर और जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि 150 रजिस्ट्रेशन जैसे होगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है काउंसलिंग करने में, लेकिन देखिए बच्चों के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं करते, भविष्य के साथ उसमें अच्छे से काउंसलिंग कर, देखिए 100 बच्चों का ही काउंसलिंग करेंगे बट अच्छे से करेंगे, इस बात की 100% गारंटी है, अच्छे से करेंगे। इसलिए मात्र हम 150 बच्चे का रजिस्ट्रेशन लेंगे, 150 रजिस्ट्रेशन मेरा जैसे ही पूरा रजिस्ट्रेशन हम कर देंगे स्टॉप। सो इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें, वरना आपका रजिस्ट्रेशन छूट जाएगा, हमारी तरफ से काउंसलिंग होगा, 100% श्योर रखिए कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, 3 नंबर दिए हैं, 3 नंबर में से किसी नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको रिस्पांस मिलेगा, 100% रिस्पांस मिलेगा, और अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। थैंक यू सो मच, रिजल्ट उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि किस डेट को आने वाला है। यही था आज का हमारा अपडेट, चैनल को सब्सक्राइब कर दे सब लोग, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर ले। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट।